आइए कुछ देर उस महान परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं जिन्होंने अपने स्वरूप अपनी समानता में हमें बनाया है, बहुत सारी आशीष बरकतें हमें दी हैं और प्रतिदिन हमारा बोझ लेने को तैयार रहते हैं। कहते हैं थके मांदे और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम देने, शांति देने के लिए वो तैयार हैं, लेकिन हमें उनकी निकटता में जाना होगा। मैं सुगंधा आगरा से यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थी नाम में आप सभी को सलाम करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का जिन्होंने आज के दिन तक के लिए हमें संभाल के रखा है, जिंदों की भूमि पर रखा है। इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, आराधना स्तुति में जाएंगे, मैं अपने हस्बैंड अनुराग जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो आए और आके प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग सब प्रार्थना में चलते। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर, आपका फिर से धन्यवाद करते कि आपने सुंदर शाम दी, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते कि आपने इस लायक हमको समझा कि अपनी वेदी के नजदीक आने का मौका दिया, उसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं भाई अनुपम डेविड जी का और बहन सिस्टर चरणम जी का कि उनका ये पेज आगरा मसीह मंडली, हम दुआ करते हैं इस पेज के लिए। ये पेज खुदा निरंतर हर क्षण खुदा आपकी निगरानी में रहे और खुदा आपके द्वारा खुदा भी आगे बढ़ता रहे। खुदा इस पेज को बहुत आशीषित करिए खुदा, ताकि इस पेज के द्वारा खुदा लाखों आत्माएं बचाई जा सके जो आपके राज्य में मिलाई जा सके। हम दुआ करते खासकर अब गर्मियों को खुदा मौसम चल रहा है, खुदा हम दुआ करते खुदा आप सबके ऊपर खुदा अपनी छाया करिए खुदा, ताकि जो इसकी टेम्परेचर बढ़ा, इसकी गर्मी बढ़ रही है, इससे लोग को राहत मिले खुदा। जिनके पास खुदा रहने का इंतजाम नहीं खुदा, हम दुआ करते आप उसके लिए रहने का इंतजाम करिए खुदा। उनके घरों में खुदा जो भी कमी घटी है उनको खुदा आसमानी भंडार से पूरा करें। धन्यवाद करते खुदा इस पेज के द्वारा खुदा जितने भी लोग जुड़ते हैं खुदा उनके घरों में, उनके परिवारों में खुदा आपकी आशीष, आपका शोक, आपके इसमें भी आनंद हमेशा बना रहे खुदा। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने मुझको और मेरे परिवार को भी चुना, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करते खुदा। हम दुआ करते हैं खुदा अपने अनुग्रह हम पे हमेशा बनाए रखी, ताकि खुदा हम खुदा आपकी राह पर चलने वाले हो सके, आपकी राह पर चलते रहें खुदा आप, और खुदा लोग और खुदा सुसमाचार सुनाते रहें, ताकि खुदा आपकी महिमा होने पास के लिए भी हम आपको धन्यवाद करते हैं। आप ऐसे टॉपिक वर्क किए खुदा हम लोगों के साथ भी, हमारे परिवार के साथ भी, अनुपम भाई के परिवार के साथ भी, जितने भी खुदा इस पेज को सुनते हैं और खुदा चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, खुदा जो बरकत आपने अभी बख्शी है खुदा वही वक्त हम लोगों को सुनने सुनाने वाले को हमेशा बननी जाए। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए दुआ का आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में समाप्त करते हैं। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद हो अनुराग जी का कि प्रार्थना में उन्होंने हमारी अगुवाई करी, और मैं परमेश्वर की बेटी सारा से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो आए और आके आराधना स्तुति में हमारी अगुवाई करें। आज ही को परमेश्वर के नाम में जयमे जी की, मैं सारा आगे से आज ही का यह के नाम में बेदवा जयमे जी की आराधना करना चाहती हूँ, और मैं आज महान परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने हमें बिजाव की छा के जया गया और खाकर, और मैं अभिभंगर और शर्मांधी का अधिवार कहना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे अपने रहते पर आने का मौका दिया। आइए हम जो महान परमेश्वर के आने जाने अब की छोटी सी प्रार्थना चलेंगी। धन्यवाद यह परमेश्वर जो भी ने अपनी जान की शांति जान कर और चुनी पर घर कर आप रायपे को चुनी लोग देते हैं, वो लोग रायपे को देखकर आगे बढ़े जानकर आपके वचनों को जानकर कर अपने पापों से क्षमा पाएं और आगे आने से पहले खुद को तैयार करें, ताकि कि वो लोग आपके छा जाने की तैयार हो जाए, और इस प्रार्थना को आपके पुत्र में धारण करता यीशु मसीह के नाम से होकर मांगती हूँ, आमीन। यीशु बुला, यीशु बुला, तेरा नाम ले कर तुझे बुला, यीशु बुला, यीशु बुला, तेरा नाम ले लेकर तुझे बुला रहा। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुत आयत का जीवन देने,
जो आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। ये नाम ले ले कर तुझे यीशु बुलाया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उद्धारकर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उद्धारकर है। समुन्दर को जिसने तो भागा, जंगल से मार को निकाला। समुन्दर को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला। जो आयदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो आयदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा कर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा कर है। याने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा करे है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा करे है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा करे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा करे है। आज ही को परमेश्वर के नाम में पेदा जेमसी की और हालेलुया। धन्यवाद हो सारा का कि आराधना स्तुति में उन्होंने हमारी अगुवाई करी। आइए हम लोग प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे और विश्वास करेंगे। आज जो भी हम परमेश्वर के सामने रखेंगे, वो परमेश्वर उसको ग्रहण करेगा और हमसे आज रूबरू होके बात करेगा। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता। एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ इस सुंदर समय के लिए जो तूने हमें से हर एक को दिखाया है। धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर एक बार फिर अनुपम भैया और शबनम भाभी का खुदा, जिनका ये लाइव पेज आगरा मसीह मंडली है। परमेश्वर इस पेज को तू बहुतायत के रूप में आशीषित कर। परमेश्वर ये पेज खुदा बहुत लोगों की जिंदगियों को बचाने वाला होने वाला हो सके। परमेश्वर मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ उन लोगों के लिए खुदा जो अभी ऑनलाइन देख रहे हैं और आगे भी जो ऑफलाइन देखेंगे। परमेश्वर अपनी आशीषें बरकतें हमेशा उन पर बरकरार रखना। परमेश्वर उनसे रूबरू होके बात करना। परमेश्वर आज जो भी कुछ वो मांगे परमेश्वर तो उसको हाँ और आमीन में पूरा करना। परमेश्वर आज जो तेरे लोग खुदा तेरे वचन के भूखे प्यासे हैं खुदा, स्वर्ग से उस मन्ने को उंडेलना परमेश्वर, ताकि तेरे लोग खाके तृप्त किए जाने वाले हो सकें। मेरी जुबान का मेरे होठों का अभिषेक करना परमेश्वर, ताकि बोलने वाली मैं नहीं वरन बोलने वाला तू हो परमेश्वर। नेटवर्क की हर प्रॉब्लम को, गड़बड़ी पैदा करने वाली हर स्पिरिट को, ध्यान भटकाने वाली हर स्पिरिट को तेरे नाम से हम बांध देते हैं। तेरी उपस्थिति को अपने बीच में हम मांग लेते हैं इसी विश्वास के साथ कि तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। आज का जो हमारा मनन का विषय है वो हमें मिलेगा लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और उसकी 42-44 आयत। क्या ही भला होता कि तू, हाँ तू ही उस दिन से कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं। और 44 की लास्ट में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। आज वो हमारे पास ये अवसर है कि आज हम पर कृपा दृष्टि उसकी बनी हुई है। ये समय हमेशा नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वो रात आने वाली है जब कोई भी अपना काम ना कर सकेगा। हम उस समय में क्षमा मांगना चाहेंगे, क्षमा भी हमारे लिए नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर
अपने लोगों को, अपने चुने हुए लोगों को, कलीसिया को उठा ले जाएगा, उठा ले जाएगा, रेजरेक्शन हो जाएगा, रेजरेक्शन नहीं वो हो जाएगा, उठा लिए जाएंगे हम। और क्या होगा जब परमेश्वर के लोग उठा लिए जाएंगे, उसकी कलीसियाएं उठा ली जाएंगी, तब क्या होगा? रैप्चर हो जाएगा। तब क्या होगा? जब यहाँ दुआ प्रार्थना करने वाले नहीं होंगे, परमेश्वर से मांगने वाले नहीं होंगे, तब उनसे अवसर कौन मांगेगा? वो रात बहुत जल्दी आने वाली है। परमेश्वर का वचन हमसे यहाँ ये कहना चाहता है, यहाँ ये कह रहा है, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। वो कुशल की बातें जो आज हमारी आंखों से ओझल हो चुकी हैं, हम यहाँ कुशल सोचते हैं, यहाँ कंफर्ट सोचते हैं, यहाँ ऐश आराम सोचते हैं, यह हमारी लाइफ कितनी है, लिमिट है 120, उसके बाद नहीं है ज्यादा से ज्यादा। लेकिन ये जो समय चल रहा है, यहाँ अगर कोई 80-90 तक भी आ जाए तो परमेश्वर की सोची बहुत बड़ी उस पर कृपा दृष्टि होती है कि उसकी आशीष उस पर है कि वो इतना इतनी लंबी वो आयु पा रहा है। उसने अपने माता पिता की सेवा करी है जो वो इतनी लंबी आयु पा रहा है, 70-80। इस यहाँ पे हम कुशल देख रहे हैं, परमेश्वर साफ कह रहा है वो कुशल की बातें जो तेरी आंखों से छिप गई हैं। कौन से कुशल की बात कर रहा है? वो उस कुशल की बात कर रहा है, क्योंकि हम जानते हैं मसीह जीवन हमारे मरने के बाद ही है। वहां 1000 साल तक हम राज्य करेंगे, 1000, 1000 years, यहाँ कितने 120, लेकिन वहां 1000 साल तक। वहां के लिए हमें जोड़ना है, वहां के लिए हमें सोचना है कि वहां तक हम जाने पाए। लेकिन हम क्या करते हैं, जो वो कुशल हमारे लिए वहां सोच रहा है उसकी ना सोच के हम यहाँ के लिए कुशल सोचते हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, लोगों को परेशान भी कर रहे हैं कि हमें हमारा हम मतलब आराम से रह पाए। छीना झपटी हो रही है हर तरह से, हम करने की सोचते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है, वो सारे काम हम कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन तो हमसे ये कहता है, यहाँ की तू चिंता मत कर, वो सब चीजें, वो वस्तुएं जो वो जानता है तेरी जरूरत की हैं, वो सब तुझे देगा। कब देगा? जब उसके धर्म और राज्य की हम खोज करेंगे, धर्म और राज्य की खोज करेंगे। वो कह रहा मैं तुम्हें दे दूंगा सारी चीजें, वो जानता है आज की हमारी जो जरूरत है वो क्या है, रोटी कपड़ा मकान, ये तीनों चीजें हमें जरूरी चाहिए ही होती हैं। वो कह रहा मैं सब प्रोवाइड करने वाला, मैं प्रोवाइडर हूँ तुम्हारा, मैं सब कुछ करूंगा तुम्हारे लिए, लेकिन बस तुम क्या करो, जो अवसर आज तुम्हें दिया गया है उस अवसर को तुम बहुमूल्य समझो। ये अवसर तुम्हें बार बार नहीं मिलेगा। जैसा एसाव को क्या किया था, मन फिराव का अवसर ढूंढने पर भी नहीं मिला था, खोजने पर भी नहीं मिला था, क्योंकि उसने अपना पहलौटा होने का हक अपने भाई को दे दिया था। कहीं ऐसा तो नहीं, वो आशीषें जो आज परमेश्वर ने अपनी कौम के लिए रखी हैं, अपने लोगों के लिए रखी हैं, उन आशीषों को हम खुद ही दूसरों के हाथों में दे रहे हैं। आज दूसरे लोग बढ़ोतरी कर रहे हैं, और जो वाकई में हम विश्वासी लोग हैं, ये हम कहाँ हैं आज? कहीं ना कहीं उस अवसर को हम दूसरों के हाथों में दे देते हैं। जैसे क्या, जैसे शाऊल को, शाऊल को परमेश्वर ने चुना था, राजा था, जिस समय वो अपने आप को राजा मानता था, यीशु मसीह मानता था, परमेश्वर मानता था कि मैं राजा हूं, लेकिन वहां इज़राइल के लोगों ने कहा नहीं हमें तो राजा चाहिए। तब उसने चुना कि मेरे बाद कौन वहां किसे वहां देखभाल कर सकता है, मेरे जितना प्यार कौन कर सकता है। उसने शाऊल को वहां का राजा चुना, वहां का राजा चुना उसने शाऊल को, और शाऊल को जो अवसर दिया गया उसने उस अवसर को बहुमूल्य ना जाना। वो अवसर उठा के किसको दे दिया गया? दाऊद को दे दिया गया। दाऊद वहां का राजा बना, परमेश्वर ने इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया कि उसकी ब्लेसिंग्स हम देखते हैं। कभी भी कोई युद्ध नहीं हारा, परमेश्वर बहुत प्यार करता था उसे, बहुत प्यार करता था। तो कहीं ऐसा तो नहीं, जब परमेश्वर ने हमें चुन लिया है, आदि से चुन लिया है, हमारे लिए योजनाएं बना के बैठा है, हमारे लिए बहुत कुछ उसने सोच के रखा है, इस अवसर को जो उसने हमें दिया है हम इसे बहुमूल्य ना जानकर हम किसी और के हाथों में दे देते हैं।
छोटी छोटी गलतियां करते हैं, जो गलतियां हमें पता ही नहीं चलती हैं, पता ही नहीं पड़ पाती कि हमसे क्या गलती हो गई। छोटा सही तो झूठ बोला था, छोटी ही से तो गलत निगाह डाली थी, थोड़ी थोड़ी थोड़ा सा ही तो लालच किया था, देखा उस चीज को, लालच किया क्यों? वो है ना हमारा देने वाला, वो करेगा, हमें उस लायक अपने आप को बनाना है, वो देगा क्या कुछ। हम जब मनुष्य होके अपने बच्चों को बेस्ट देना मांगते हैं, जो लाइफ आज हमने नहीं जी होती है बचपन में, उससे बेटर लाइफ हम अपने बच्चों के लिए स्ट्रगल करके करते हैं। हम बचपन में एसी में नहीं रहे, लेकिन हम अपने बच्चों के लिए एसी रखते हैं। हम बचपन में साइकिल में रिक्शा में घूमे, हम अपने बच्चों के लिए फोर व्हीलर तैयार करते हैं। जब हम अपने बच्चों को बेस्ट देना जानते हैं तो वो क्यों नहीं बेस्ट देगा? हम जमीनी माँ बाप इतना सोचते हैं, तो उसने तो हमें अपने स्वरूप अपनी समानता में रचा है, अपने इतना प्यार किया कि इकलौते तक को दे दिया, तो वो हमारी भलाई के लिए क्यों नहीं सोचेगा? तो आज जो उसने हमें अवसर दे रखा है, इस अवसर को हमें गंवाना नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि वो अभिषेक किसी और के हाथ चला जाए, किसी और के हाथ चला जाए और ऐसाओं की तरह हमें पछतावे का विकल्प ना मिले, कि हम पछतावा भी ना कर सकें, कि पछताएं क्या करें, परमेश्वर तेरे निकटता में फिर आना चाहते हैं, और वो रात आ जाए जिसमें कोई भी अपना काम ना कर सकेगा। बहुत जल्दी वो समय भी आने वाला है, बहुत जल्दी वो समय आने वाला है जब परमेश्वर अपनी प्रजा को लेने आने वाला है। रैप्चर हो जाएगा, पता नहीं हम उठा लिए जाएंगे। उम्मीद हमें यही लगानी है, काम हमें ऐसे करने हैं कि वो रैप्चर, उस रैप्चर में परमेश्वर की दुल्हन बन के हम जाने पाए, क्योंकि यहाँ कलेश महाकलेश होगा। परमेश्वर अपने लोगों को बचा लेगा, अपने लोगों को अपनी पंखों की आड़ में छिपा लेगा, लेकिन किन्हें छिपा लेगा? जो क्या करते हैं, उसके छाए हुए स्थान में बैठे रहते हैं। भजन संहिता 91 हम बोलते हैं ना, भजन संहिता 91 में वो कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो पाएगा ठिकाना, वो ठिकाना पाएगा, उसको वो अपने पंखों की आड़ में छिपा लेगा। ये थोड़ी कि उस ठिकाने में हम अभी आ जाएं, जरूरत है तो ठिकाने में आ जाएं, परमेश्वर परमेश्वर परमेश्वर, और उसके बाद उठ के जब हमारी जरूरत पूरी हो जाए तब हम उठ के चले जाएं। नहीं, बैठा ही रहना है, उसके भले का इंतजार करना है हमें, क्योंकि परमेश्वर का वचन लूका रचित सुसमाचार में ही उसकी 22वीं आयत और उसकी 31 और 32वीं आयत में क्या कहता है, 22वां अध्याय और उसकी 31 और 32 आयत, शमौन हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। किस चीज पे परमेश्वर ने, किस चीज पे यीशु मसीह ने, किस चीज पे वो किया विनती, किस चीज की करी? ये नहीं कहा कि शैतान के हाथों में चले तो गए हैं, इनको शैतान के हाथों में सुरक्षित रखना, शैतान से छुड़ा लेना। उन्होंने क्या कहा कि केवल विश्वास के लिए मैंने तेरे प्रार्थना करी है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। आज हम विश्वासी लोगों का विश्वास कहाँ है? वैसे ही अल्पविश्वासी हैं। यीशु मसीह साथ में है, नाव डगमगा रही है हमारी, हमें विश्वास नहीं है कि हमारा जिंदा खुदा है इस नाव को संभालने वाला है। कैसा हमारा जीवन है परमेश्वर, हम दुखी हो चुके हैं इससे, तो हम अपना जीवन ही खत्म कर लेते हैं। बहुत से लोग इन परेशानियों में आके अपना जीवन भी खत्म कर लेते हैं, बहुत से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और गलत गलत चीजों पे, गलत गलत राहों पे चले जाते हैं, गलत गलत निर्णय ले लेते हैं कि अपना जीवन ही खत्म कर ले, इस कलेश से इस दुख से तो मुक्त हो जाएंगे। कहाँ है हमारा विश्वास? यीशु मसीह विश्वास ना जाने की विनती कर रहा है, आज भी वो हमारे लिए यही विनती कर रहा है कि शैतान के हाथों में तुम लोग हो तो शैतान कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, दरवाजे पर ही खड़ा है, मुंह फाड़ के खड़ा है कि हम उसके निकटता में जाएं और वो मुंह फाड़ के हमें अपने मतलब हमें खा ले, हमें पूरी तरह से निगल ले, कि हम उसके अंदर से बाहर ना निकलने पाए। बेड़ियों से जकड़ रखा है कि हम उन बंधनों को तोड़ने ना पाए। यीशु मसीह आज भी वही विनती कर रहा है कि मैं परमेश्वर से यही विनती कर रहा हूं कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, विश्वास बना के रख। परिस्थितियां कैसी भी आए,
कैसी भी परिस्थितियां आए, चाहे तू दुखी हो, चाहे परेशान हो, तंग हाल हो, नौकरी हो ना हो, बीमारियों से तेरा शरीर ग्रसित हो, कोई भी सिचुएशन हो, लेकिन तेरा विश्वास ना जाए। और तेरे विश्वास, क्योंकि बाइबल कहती है, बाइबल का वचन काफी बार ये लिखा है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, तेरे विश्वास के द्वारा ये संभव हुआ। तो वो यही कहता है, विश्वास बना के रखो, और जो अवसर तुम्हें आज मिला है उस अवसर को तुम बहुमूल्य समझो, यूं ही ना जाने दो, यूं ही व्यर्थ ना जाने दो, ये अवसर को तुम मानो। आज तुम्हारे पास टाइम है कि मन फिरा के लौट आओ, कहीं ऐसा ना हो वो रात आ जाए जब तुम चाहते हुए भी अपना कोई भी काम ना करने पाओ। हमें क्या करना है, उस रात के आने से पहले, रात आने का मतलब जो है वो क्या है, अंधकार की सामर्थ जब पूरी तरह से क्या होगा, हावी हो जाएगी लोगों पर, पूरी तरह से हावी हो जाएगी, तब के समय में परमेश्वर का वचन कह रहा है, तब के समय में परमेश्वर का वचन कह रहा है, हमें जो अवसर आज मिला है कि आज हम ज्योति की संतान हैं, ज्योति में चलते हैं, वो राह दिखाता है, अगुवाई करता है, हमारे द्वारा लोग सही राहों पे आते हैं, तो हम इस अवसर को बहुमूल्य समझें और इस अवसर को जाने ना दें, और अपने विश्वास में हमें कहीं भी कमी नहीं होने देनी है। इन्हीं एनकरेजिंग वर्ड्स के साथ मैं सेशन को समाप्त करना चाहूंगी। आइए हम लोग प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ। दिन भर की आशीषों बरकतों के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ सुंदर समय के लिए जो तूने हमें से हर एक को दिखाया है परमेश्वर, और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ एक बार फिर अनुपम भैया और शबनम भाभी का खुदा, जिनका ये लाइव पेज आगरा मसीह मंडली है परमेश्वर, ये बहुतायत के रूप में बढ़ने वाला हो सके परमेश्वर। इस पेज के द्वारा खुदा बहुत सारी आत्माएं बचाई जाने वाली हो सके खुदा। इस पेज के द्वारा तू अपने लोगों से बातचीत कर परमेश्वर, और जो लोगों को तू समझा परमेश्वर, विश्वास दिला परमेश्वर, उनके अंदर विश्वास का आत्मिक वरदान दे परमेश्वर, कि वो जान सकें कि तू कितना उन्हें बहुमूल्य तूने बनाया है, वो तेरे लिए कितने बहुमूल्य हैं। तू हर एक इंसान को प्यार करता है, तू पाप से घृणा करता है, पापी से नहीं, और तू मन फिराव का अवसर देता है परमेश्वर। यस जीसस, मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ उन लोगों के लिए खुदा जो इस समय किसी भी बीमारी हालत में है परमेश्वर, उनके बीमारी के बिस्तरों को पलट दे परमेश्वर, पलट दे खुदा, चंगाई दे परमेश्वर, स्वर्ग से चंगाई रिलीज कर परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ उन लोगों के लिए खुदा जिनके घरों में लड़ाई झगड़े हैं परमेश्वर, इसी समय खुदा तेरा आत्मा वहां भेजती हूँ परमेश्वर। जो भी मन मुटाव है, डिफरेंसेस हैं परमेश्वर हस्बैंड वाइफ में, डिस्प्यूट्स हैं परमेश्वर, तेरे नाम से वो चले जाए परमेश्वर। मैं तेरी बेटी होने के नाते आज्ञा देती हूँ परमेश्वर कि वो इनकी जिंदगी से हर एक लड़ाई झगड़ा मैं कैंसिल करती हूँ परमेश्वर, तेरा मेल मिलाप का स्पिरिट वहाँ रिलीज करती हूँ परमेश्वर। वो पति पत्नी खुदा एकजुट होके तेरी हमद करने वाले हो सके परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ ऐसे घरों के लिए खुदा जहाँ नशे का स्पिरिट काम कर रहा है परमेश्वर, तेरा होली स्पिरिट वहां भेजते हैं खुदा, तेरा होली स्पिरिट वहां भेजते हैं परमेश्वर। हर एक लड़ाई झगड़े का स्पिरिट, हर एक नशे का स्पिरिट उन घरों से मैं कैंसिल करती हूँ, दूर करती हूँ परमेश्वर। यस जीसस, मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ खुदा ऐसे लोगों के लिए जो किसी कारणवश किसी बात को लेके डिप्रेस है परमेश्वर, दिल टूटे हैं परमेश्वर उनके, किसी बात को लेके परमेश्वर बहुत दुखी हैं परमेश्वर, उनसे बोल, उनसे बातचीत कर खुदा, वो डिप्रेशन से बाहर निकलने वाले हो सके परमेश्वर, क्योंकि उन्हें तूने जय के उत्सव में लेके चलता है परमेश्वर, जयवन से बढ़ के बनाया है परमेश्वर तूने। यस जीसस, अपना हाथ उनके ऊपर रख परमेश्वर, और उनसे बातचीत कर परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ ऐसे लोगों के लिए खुदा जिनको लोग परेशान करते हैं, मगर उनका आसरा भरोसा तू है, तू सही राह दिखाएगा परमेश्वर, तू सही राह दिखाएगा खुदा। आगे आने वाले समय में खुदा उनको तू शिरोमणि बनाएगा परमेश्वर, जो तेरे लोगों को, तेरे विश्वासियों को तुच्छ समझते हैं परमेश्वर, तू उनके ही सामने उन्हें ऊंचा बनाएगा, ऊंचा उठाएगा परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ ऐसे लोगों के लिए खुदा जो फाइनेंशियली क्राइसिस से गुजर रहे हैं परमेश्वर, भरपूरी दे खुदा, भरपूरी दे खुदा।
मैं विश्वास करती हूँ खुदा कि तूने मेरी सारी प्रार्थनाओं को सुना है खुदा, और उसको हाँ और आमीन में पूरा भी किया है परमेश्वर। इसी विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मानती हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड नागेश भाई, परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुतायत के रूप में आशीषित करे, और जो भी आप लोगों ने प्रार्थनाएं करी हैं बस ये विश्वास करिएगा परमेश्वर ने उस प्रार्थना को सुना है और हाँ और आमीन में पूरा भी किया है। आप सभी को जय मसीह की, परमेश्वर बहुतायत के साथ आप सभी लोगों को आशीषित करे।